पर शाम के 7 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ये वक्त होता है ब्रेकिंग 2020 का, लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी बदलाव आज की सबसे बड़ी खबर है, इस पर आज सबसे बड़ी बहस है। आज सुबह से ही आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर सियासी कयास लगने शुरू हो गए थे। दोपहर बाद बीजेपी ने इसे अमली जामा भी पहना दिया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव ने 3 सालों से चले आ रहे पीडीपी बीजेपी गठबंधन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के समर्थन वापसी के तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। बीजेपी का आरोप यह है कि महबूबा मुफ्ती बतौर सीएम राज्य के हालात को संभालने में नाकाम साबित हुई है। महबूबा मुफ्ती ने पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ताकत की नीति कामयाब नहीं हो सकती। बीजेपी समर्थन वापसी को देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के हित में बता रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने सेना से विश्वासघात का महबूबा से बदला लिया है? सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली महबूबा से समर्थन वापसी कर बीजेपी ने संदेश दिया है कि सेना के स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने सत्ता के लिए कुर्बानी देकर यह साफ कर दिया है कि आतंक पर अब कड़ी निंदा नहीं, सिर्फ कार्रवाई होगी। सीज फायर खत्म करने के बाद सरकार से अलग होकर क्या बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सियासी पत्थरबाजी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? तो सबसे बड़ी बात तो यह है और सबसे बड़ा सवाल कि आज से आतंक का अमंगल और देश का मंगल शुरू हो गया है। इन सियासी सवालों को लेकर आज की सबसे बड़ी बहस हम शुरू करें, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर में वही कार्ड ट्रीट जम्मू कश्मीर एज एन एनिमी टेरिटरी, ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को देखते हुए जो निर्णय लिया गया वो अपने आप में पर्याप्त है। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। हम जिस तरह से सरकार चलाना चाहते थे, पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है उसको जैसे डील करना चाहते थे, हम जिस प्रकार से पत्थरबाजों से मुक्त करना चाहते थे कश्मीर को, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही थीं। पिछले 3 साल बीजेपी भागीदारी है, बीजेपी की पूरा का पूरा जो भी हुआ है कश्मीर में और जेएनके में, अब उस जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट सकती। हमारी मजबूरी नहीं थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, पर हमारा बड़ा दिल था, हमारा गुडविल जेस्चर था। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और आज की चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रतन शारदा जुड़े हुए हैं, आरएसएस विचारक हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे अभय दुबे, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इस चर्चा में आज कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। नेत्री भट्ट हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं और एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस चर्चा में आज हमारे साथ शरीक होंगी। रमीज मखदूमी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और विक्रम सिंह जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, पहला सवाल गौरव भाटिया आपसे। आप पीडीपी से अलग हुए, सरकार से आपने हाथ खींच लिए, आप इसे देशहित का नाम दे रहे हैं,
लेकिन आरोप लग रहा है कि ये अलायंस जितना ऑपर्चुनिस्ट था, ये ब्रेकअप जो है वो भी उतना ही ऑपर्चुनिस्ट है। देखिए, सबसे पहली बात, जब गठबंधन हुआ भी तो वो कश्मीर में, जम्मू में स्थिरता रहे इसलिए हुआ, और इस दौरान केंद्र सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाते हुए उरी के अटैक के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स करी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पिछले साल 250 आतंकवादी मारे गए। विकास जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचाने का हमने पूरा प्रयास किया। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, लेकिन कुछ बिंदुओं में जो पीडीपी की सोच थी वो कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्रहित की सोच है उससे मेल नहीं खाती थी, जिसके 2-3 उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा। जहां महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई मत करिए। पहली बार इतनी मजबूत कार्रवाई अलगाववादियों के खिलाफ हुई, जेल की सलाखों के पीछे उनको डाला गया। बुरहान वानी, जिसको ढेर किया गया, अबू दुजाना और ऐसे आतंकवादी हैं, जहां महबूबा मुफ्ती की सोच अलग थी। आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ हुई, उन्होंने कहा मस्कुलर पॉलिसी नहीं चलेगी। हमने ये जो उनकी सोच है ना गौरव भाटिया, ये पहले दिन से है, ये नई सोच नहीं पैदा हुई जो आपको अब पता चला। एक मिनट रतन शारदा जी, देश हित में फैसला लेने में क्या 3 साल का वक्त लग जाता है? 3 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा समझौता था, बहुत बड़ी रिस्क थी, लेकिन रिस्क लेने लायक थी, क्योंकि पहली बार जम्मू और लद्दाख के लोगों को आवाज मिलने वाली थी, सरकार में हिस्सा मिलने वाला था। उसके बाद में कई महीनों तक ये बातें चली, तब जाके अलायंस हुआ। कोई जल्दबाजी में अलायंस नहीं हुआ, फर्क पड़ा मुफ्ती साहब के जाने से। मुफ्ती साहब के इरादे बड़े क्लियर थे, वो जम्मू कश्मीर को भारत की राष्ट्रधारा से जोड़ना चाहते थे, लोगों में बदलाव लाना चाहते थे। उनके जाने के बाद महबूबा जी, मेरा ख्याल है कि हुर्रियत और सेपरेटिस्ट लोगों के हाथ में रही, वो अपने निर्णय ले नहीं सकी। उस समय शायद बीजेपी निकल सकती थी बाहर, के उनको पता था कि अब उनके हाथ में ताकत नहीं है। महबूबा के और अभी हुर्रियत और सेपरेटिस्ट लोग चलाएंगे, शायद वो एक गलती थी। और आगे लेकिन ऐसे अलायंस को 2-3 साल न देना, मैं इसको गलती नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ हो सकता है 6 महीने साल पहले निर्णय लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजों को छूट महबूबा जी ने दी, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों के लिए दया दिखाई, और जिस तरह से मिलिट्री के ऊपर एक्शन लिया, बहुत ही दुखदायी था, और कोई भी पार्टी ने उसको सहन नहीं करना चाहिए था। और उस हिसाब से मैं समझता थोड़ा सा लेट हुआ। शारदा जी, ये तो बीजेपी में ही खुद आवाज उठ रही थी कि ये सरकार चल कैसे रही है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात आपने सुनी होगी, वो ये बात पहले से कह रहे थे, ये सरकार कैसे चल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये सोच तो कहीं ना कहीं पार्टी में थी पहले, लेकिन इतना वक्त लग गया उसी को लेकर ये सवाल है। चलिए मैं आऊंगी आपके पास लौटकर। अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर बर्बाद कर दिया कश्मीर को। साहब अपना दौर तो याद कर लीजिए, 2010 में आपने क्या किया था वो दौर याद कीजिए आप। खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, अब जाकर होश में आए तो क्या किया। इस सत्ता शायराना अंदाज से बाहर निकली अभय दुबे जी, 2010 की याद दिला रही हूं मैं आपको। मुझे बोलने दीजिए। अरे 10 के लिए याद कराई है ना, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अभय दुबे जी को चला दीजिए फांसी। आपने 1990 में आप बैठे मंत्री, अरे कश्मीर हिंदू मार मार के निकाले गए, आपके बीच में नहीं बोला इस प्रकार। आप पहले मानेंगे कि आपकी सत्ता थी 1990 में, आपने हिंदुओं को निकलने दिया। आप उस समय आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वहाँ पर गोल खेल रहे थे लंदन में, आप भूल गए इस बात को। 1986-87 के जब बंदर तोड़े जा रहे थे, आपने भी पीडीपी के साथ समझौता किया था। अब साधु बनने की कोशिश मत कीजिए। आपने हिंदू कश्मीरी हिंदुओं को जितना सताया, आपके मुंह के ऊपर जिस प्रकार आपने कश्मीरी हिंदुओं को निकाला, हम भूल नहीं सकते। आपने बराबर विरोध किया। प्रायोजित प्रोग्राम बंद कीजिए, लेकिन अपनी पॉलिसी के बारे में भी तो सोच लीजिए। जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात है उसमें बड़ा रोल कांग्रेस का भी रहा है, आप इस बात से क्यों भाग रहे हैं? 1947 से जी। एक मिनट रतन शारदा जी, आप दुबे को अपनी बात पूरी करने दीजिए जरा। जम्मू कश्मीर में इस अनैतिक गठबंधन की शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुफ्ती साहब ने आतंकियों और पाकिस्तान का शुक्रिया किया। आज मैं शर्मसार कर देने वाला दिन है। क्या कहते राम माधव जी,
वो कहते हैं कि हमने अच्छे प्रतिसाद की अपेक्षा आतंकियों से की थी, इसलिए गुडविल जेस्चर दिया। बिल्कुल भी ये नहीं कहा, गलत बात मत बोलिए। क्या हाल करके रख दिया जम्मू उनके वक्तव्य को तोड़िए मत, उठा कर देखिए। सुनिए आप मेरी बात, ठीक है आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, इसलिए आपको ये हक नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। आपको आज जवाब देना चाहिए अबे जी कि आप मेजर आदित्य के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला रहे थे, आप सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग रहे थे जब हर भारतीय खुशियां मना रहा था। ये कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बुरहान वानी ढेर हुआ, भारत में खुशियां मनी, सैफुद्दीन सोल ने क्या कहा, अगर हमारी सरकार होती तो बुरहान वानी जिंदा होता। यह है आपकी सोच राष्ट्रवाद की, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सवाल मत उठाइए, अपने गिरबान में झांकिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, जनता की सेवा और देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। अगर मैं इसे रोकूंगी नहीं तो ये शायद ये पूरा एक घंटा आप ये बहस कर सकते हैं, लेकिन हमें सोचना है कि कश्मीर में शांति बहाल कैसे होगी। और मैं यहाँ पर अबे दुबे जी, अब नाउ योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप नाउ, यही परेशानी है। प्रश्न कोई नहीं, उत्तर कोई नहीं, बीच में टोकिए बोलिए। अब मैं कॉमोडोर जीजे सिंह को यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि सेना की आवाज सुननी यहाँ पर बहुत जरूरी है। जनरल जीजे सिंह, माफ कीजिए कॉमोडोर जीजे सिंह, मुझे ये बताइए आपकी इस ब्रेकअप को, ये जो पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटा है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सेना के स्वाभिमान के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये गठबंधन टूटना भी जरूरी था, वो कायम रहे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब इसकी शुरुआत की, अलायंस किया, उस टाइम हमारे बीजेपी की जो नीयत थी बिल्कुल साफ थी, और इस साफ नीयत के अंदर जो पीडीपी की मुफ्ती महबूबा मुफ्ती थी उसको सिर पे बिठा लिया, फिर वो सिर के ऊपर डांस करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि पिछले तीन साल से हमारा जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस, जितने हमारे सोल्जर जवान ऑफिसर कुर्बानी दे रहे थे सिर्फ उसकी गद्दी को बचाने के लिए, उसको आज ये जो पीडीपी से समर्थन वापस लिया है, ये बीजेपी ने सिद्ध कर दिया है कि उनका दिल, उनका जो इरादा है वो हमारी फौज के, फौजियों के मोराल को, उनकी आत्मविश्वास को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए किया है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि ये जो पहले जब शुरुआत हुई तो उस टाइम ही कह रहे थे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों पोलर ऑपोजिट हैं, आपस में मिल नहीं सकते। मगर हमने देखा जब ये लास्ट महीना जो अभी रमजान का महीना निकला, उसे हमने ये देखा कि हमारी फौज, हमारे लोग तो इस्लाम की पवित्र महीने की इज्जत कर रहे हैं, उसके उसको 380 सैनिकों ने शहादत दी है, आपने देखा कभी देश को मान रहे हैं। मगर ये लोग जो हैं, ये जो लागू को है क्या सीखा है, ये बहुत अच्छा जेस्चर मिला क्या इसके बदले, हमने अपने जवानों को खोया, कोई सरोकार ही नहीं था इन लोगों का। जबकि हमारी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये जो अगर अपने ही धर्म को नहीं मानते, अपने ही धर्म की इज्जत नहीं करते, तो इसमें कोई फायदा नहीं। आई थिंक दिस वॉज द टिपिंग पॉइंट, क्योंकि कहा जाता है कि जो रोड टू हेल, जो सड़क बनती है हेल के लिए, वो अच्छे इंटेंशन के साथ बनती है। ये अच्छा इंटेंशन, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला। मैं यहाँ विक्रम सिंह से जवाब लेना चाहूंगी जी, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ, क्योंकि मैं सभी पैनलिस्ट को एक बार एक-एक रिएक्शन कम से कम ले लूं। हाँ विक्रम सिंह, दो सेकंड मुझे दे दीजिए। विक्रम सिंह से मेरा सवाल था, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत ही क्लियर इंटेंशन से एक गुडविल जेस्चर अपनाया गया था, लेकिन उसका नतीजा निकला क्या? न बंदूक से न गोली से बात बनेगी, बोली से, ये महबूबा मुफ्ती बोलती हैं विक्रम सिंह जी, लेकिन यहाँ पर आतंकवादियों को सिर्फ और सिर्फ गोली की भाषा ही समझ में आती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पीडीपी के ज्ञान चक्षु क्यों नहीं खुलते इसको लेकर। मैडम पहले तो
पीडीपी और बीजेपी का कोलिशन जितनी देर भी रहा, पीडीपी को श्रीनगर से मैंडेट मिला था और बीजेपी को जम्मू से, इन दोनों को आपस में जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना उसको बनने में 3 महीने लगे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती साहब की अल्टीमेटली डिसाइड हो गया और उसके बाद दोबारा सरकार बन गया। मेरा जो सीधा सीधा सवाल है, गोले की भाषा समझ में आती है आतंकवादियों को, ये बात पीडीपी को समझ में क्यों नहीं आती? ये सारा वोट बैंक का खेल है ना। पीडीपी और बीजेपी की सरकार पे 585 मिलिटेंटों को मारा गिराया, मरे ना, सेना ने मारे, हमने कभी उसके खिलाफ, सेना ने मारे जी, हमने कभी उसके खिलाफ, हम सेना के साथ खड़े। नहीं नहीं, पीडीपी की गवर्नमेंट में मरे ना। विक्रम सिंह जी, मेरा जो सवाल है, अभी भी ये कहना कि सीज फायर लागू होना चाहिए था, हम डायलॉग में विश्वास करते हैं, मुझे आप ये बताइए सीज फायर में हुआ क्या? हमने अपने जवानों को खोया, हमने अपने नागरिकों को खोया, शुजात बुखारी को खोया, हमने औरंगजेब को खोया, हमने बीएसएफ के जवानों को खोया। इतनी भारी कीमत राजनीतिक हितों के चलते आप इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे चार चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, प्लीज एक बार मुझे पूरा कंप्लीट, आप पहले अपना जवाब सोच लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ, इतने में ये रिएक्शन ले लेते हैं। नेत्री भट्ट कुछ बोलना चाह रही है, नेत्री भट्ट। मीमांसा देखिए, चार चीजें हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे बीजेपी और पीडीपी का अलायंस क्यों टूटा? पहली चीज, एक तो यूनिलैटरल डिसीजन जो पीडीपी की गवर्नमेंट ले रही थी, इट वाज टोटली कश्मीर सेंट्रिक, वो हर डिसीजन उनका कश्मीर की सत्ता को लेकर था। बल्कि हमारी बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी जम्मू की थी। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो कठुआ का केस हुआ था उसकी वजह से ऑलरेडी उनकी जो पूरी इमेज थी वो पूरी खराब हो चुकी थी। तीसरी चीज, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि आर्मी को सपोर्ट बीजेपी का पूरा था, पीडीपी का नहीं था। वहां पे मजबूरी बन गई थी बीजेपी की पीडीपी के साथ रहना और फिर सीज फायर करवाना, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी वही कर रही थी जो उनका खुद का मन में कर, जो उनका खुद का। अबे दुबे जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, दो सेकंड दे दीजिए, बताइए बताइए, आप कंप्लीट कीजिए। हास्यात्मक इसमें आपको क्या लगा? वहां के आतंक से भाग कर आई है, इसमें हास्यात्मक क्या था? अबे दुबे, क्या हास्य, क्या हास्यास्पद बताया गया है? इस बात से आप ना ही बोले तो बहुत अच्छा, हो सकता है पैदा भी नहीं हुई थी। मैं 1990 में पैदा, हाँ जी, जब ये हुआ तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। आप मुझसे तो बात ही मत कीजिए, जो मेरे पिताजी और मेरे, बिल्कुल आपको अगर नहीं पता हो तो आप बोलिए ही मत। कश्मीरी पंडितों का पलायन पूरी दुनिया को पता है, आपको नजर नहीं आता तो हमें नहीं पता। अगर आपको, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको समझ नहीं है इस चीज का, आप ना ही बोले, कोई भगाया गया। अरे लगातार बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे लेंगे आप? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप अपनी बात को करेक्ट कीजिए, आप अपनी बात को करेक्ट कीजिए। अरे आप करेक्ट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी करने वाले लोगों, उनका उतना ही योगदान था जितना पीडीपी का था। मुझे बताइए, क्या बीजेपी कहां से ला रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय रहता है, राज्य की सरकार को अधिकार नहीं है। बीजेपी कहां से ला रहे हैं? को नहीं चला आप यूनिलैटरल, बताइए आप यहाँ से। अरे अभय दुबे जी, आप शर्म करिए, आपने भेजा था जम्मू कश्मीर में तो ऑलरेडी हालत खराब थी। आप एक कश्मीरी में बात कह रहे हैं तो उसका भाजपा नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। अबे दुबे जी, अच्छा ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पर गौरव भाटिया से पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँ। गौरव भाटिया, मुझे ये बताइए, आप जब आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया राज्य में, आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, तो आप भी तो सत्ता में थे ना, आप भागीदार थे, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं?
मीमांसा जी देखिए एक बात समझने की है, जो केंद्र की सरकार है संविधान के तहत उसका एक क्षेत्र अधिकार है और एक प्रदेश की। मैंने आपको उदाहरण दिया, सर्जिकल स्ट्राइक्स करी गई, विदेश नीति का पाठ है ये, मोदी जी की सरकार ने किया और हमने अलग थलग किया पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में, ये केंद्र की सरकार है। लेकिन परेशानी कहाँ है, मेजर आदित्य का मामला हुआ, मेजर आदित्य के मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कहा हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन FIR जो कराई गई वो प्रदेश के सरकार के तत्वाधीन है और गृह मंत्रालय किसके पास है, महबूबा मुफ्ती जी के पास है। और एक मेरी बात, आप तो घुटने टेक रहे थे, बिल्कुल नहीं टेक रहे थे, मैं आपको उत्तर नहीं दे रहे, मैं आपको बताता हूँ पत्थरबाजी के खिलाफ मेरी बात पूरी हो जाए, अगर चिल्लाने से देखिए उत्तर आप शायद ना सुन पाए, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कंफ्यूजन नहीं। जब ये FIR हुई सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया, पीडीपी सरकार जो गृह मंत्रालय रखी थी उन्होंने कहा FIR होनी चाहिए, केंद्र की सरकार ने कहा हम सैंक्शन नहीं देंगे, FIR नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है, अभी कांग्रेस प्रवचन दे रही थी सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ इन्होंने मांगा, नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई, क्या राहुल गांधी गए कभी कश्मीर, कितनी जम्मू एंड कश्मीर कितनी बार गए बताइए आप। सैफुद्दीन सोज का बयान आया बुरहान वाली जिंदा होता, जवाब दे दे, बातें कर रहे हैं निर्मल सिंह ने कहा, अरे भैया जो आपके चीफ जो है कांग्रेस के जम्मू एंड कश्मीर के कह रहे थे मेजर आदित्य को अरेस्ट किया जाए, आपके नहीं देंगे जवाब, सैफुद्दीन राहुल गांधी जम्मू एंड कश्मीर कितनी बार गए इसका उत्तर दे दे बता दे। I'm giving 30 seconds to you. उसके बाद मैं मखदूमी के पास जा रही हूँ, उनसे मैं अभी तक नहीं बात कर पाई हूँ, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मीमांसा जी मैं एक भी शब्द सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत लोग नहीं, मैंने इसीलिए आपको बोला है, मैं औरों को नहीं बोलने दे रही हूँ, 30 सेकंड मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ, 30 सेकंड, योर टाइम बिगिंस नाउ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में अपराध ये है, आज अब ये देखिए अब सवाल क्या है उत्तर क्या है, राहुल गांधी जी गए जम्मू एंड कश्मीर, गौरव जी को सेना के जवानों से मिले, खर्च किया जो शहीद हुए उनके परिवारों से मिले, नरेंद्र मोदी जी दिवाली पे भी वहां पे थे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सैफुद्दीन सोज के बयान पे क्या कार्रवाई करी राहुल गांधी ने, और आज बात करते हैं अवसरवादिता की तो कर्नाटक का उदाहरण भूल गए, छोटा भीम बन के सरकार बना ली, आर्टिकल वो नहीं पता आपको का क्या करेंगे, हम लोग राष्ट्र हित में कार्य करेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन देश सबसे बड़ा है, ये उदाहरण आज हमने दो किया है, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है, क्या करेंगे, आपका दर्द केवल यही है, आपने सवाल का जवाब वो नहीं देंगे, आप पूरा आप मेरा समय लेके उनको एक्सेप्ट और दे दीजिए, तब भी नहीं देंगे, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, हर सवाल के जवाब की वैसे ही होती है, आप आपसे जो मैंने रिलेटेड सवाल दिया आप उसको उसका जवाब देने के बजाय आप बिल्कुल उसको घुमा देते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते हैं, आप मुझे वक्त चाहिए, मैं रमीज मखदूमी के पास जा रही हूँ, 2 सेकंड मुझे दीजिए, अब आप चुप हो जाइए, रमीज मखदूमी, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मस्कुलर पॉलिसी नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर में, हीलिंग टच पॉलिसी, मेरा सवाल यह है कि हीलिंग टच पॉलिसी किसके लिए, आतंकवादियों के लिए, पत्थरबाजों के लिए, यही सोच रखते हैं आप, देखिए आज हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफिया तो ज्यादा खंगालनी नहीं पड़ेगी, जैसे कहते हैं उर्दू का मुहावरा भी है, बड़ी देर की मेहरबान आपने आते आते, अगर आज हम कंटेक्स्ट में बोले तो वही अच्छा रहेगा, आज हम 1 बजे सुनते हैं, मेरे ख्याल से महबूबा मुफ्ती को भी टीवी पे बड़ा जोर का झटका लगा जब उसने राम माधव जी को सुना होगा कि सरकार गिर गई, पल्ला झाड़ दिया गया, कि उसको भी बाखबर रखा गया था, उसको भी कुछ खबर नहीं थी कि सरकार गिर गई, अब मुद्दे पे आई आप जमीनी से ठीक है कि चार साल से मैं आपको पॉलिटिकल मसला है, चार साल से दिस हैज बीन अ गवर्नमेंट ऑफ मिलियन कंट्रोवर्सीज, और आपको पीडीपी बीजेपी के इस आयरन फिस्ट पॉलिसी फेल हो चुकी है, यू कैन नॉट किल कश्मीर इशू बाय आयरन फिस्ट पॉलिसी, ठीक है, लेकिन पीडीपी और बीजेपी ने अवसरवाद दिखाया इन सालों में, उन्होंने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से काम लिया, इस वजह से चीजें बिगड़ी, और जब आप बुरान वाली डायलॉग में लीजिए, हुर्रियत को डायलॉग में लीजिए, तभी इशू सेटल होगी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो पीडीपी और बीजेपी ने दिखाया, जिस तरह कुकवा में इंसानियत शर्मसार की गई, जो फंडिंग होती है बाहर से उसका जवाब कौन देगा, भारत में
रुपया पाकिस्तान से लेते हैं, बुरहान वानी के मरने पे आंसू बहाते हैं और देश के जवानों पे पत्थर लगे तो तालियां बजाते हैं। ये है मजदूर भी, आपके प्रवचन नहीं चाहिए और आपके बुरे दिन आने वाले हैं। समझ लीजिए जैसे अलगाववादी जेल गए थे, जो पाकिस्तान को रुपया देगा वो भी जेल जाएगा। लेकिन एक भी बात इनके हल नहीं हुई, इनके आपके चेहरे पे डर दिखाई दे रहा है मजदूर। ये आपकी सिटी में बड़ी बड़ी बाइसर और बातें करेंगे, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। हम सपोर्ट नहीं करेंगे। विक्रम सिंह जी मुझे ये बता दीजिए जरा, ये जो मस्कुलर पॉलिसी है इसके बारे में जरा इस पर रोशनी डालिए जरा, ये कैसे मददगार होगी, कैसे ये घाटी के हालात बदल जाएंगे इससे, मैं ये समझना चाह रही हूँ आज। देखो मैम, मस्कुलर पार्टी हम कह रहे हैं जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके खिलाफ मस्कुलर की जो बात की जा रही है, लेकिन हम लोकल जो नौजवान है, जो छोटे बच्चे हैं, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उसके खिलाफ मस्कुलर की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, क्लैरिटी नहीं है विक्रम सिंह जी, जो आप बात कह रहे हैं वो जो पत्थरबाज है, हाँ, वो छोटे बच्चे नहीं है। अबे दुबे, आप जरा मुझे बताइए कौन सी पॉलिसी चाहिए। आप देखिए हर चीज में आप उंगली उठाते हैं, आपको खोट नजर आती है। मुझे ये बता दीजिए कश्मीर के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। आप कहते हैं कि बीजेपी पीडीपी सरकार ने बहुत ही बर्बादी कर दी, बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। जरा आप अपना क्लियर व्यू पॉइंट रख दीजिए आज जनता के सामने कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसे कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मीमांसा जी, और पॉजिटिव बात कीजिए जरा। सरकार को सहयोग करेंगे, बिल्कुल कई सरकार को सहयोग करेंगे और दृढ़ता से साथ खड़े रहेंगे। हमने 5 वर्किंग ग्रुप बनाए थे मीमांसा जी, जिस पर काम करना प्रारंभ किया था। एक था गवर्नेंस का, एक था सेंटर रिलेशन का। अच्छा, अरे साहब चुप रहिए, अब जरा बोलने दीजिए प्लीज। जब अलगाववादियों पे कार्रवाई हो रही थी तो मनमोहन सिंह वहां पहुंच गए, तो शिष्टाचार रखिए। आपको याद आ रहा हूं केवल मीमांसा जी, आपका सहयोग है भारत के साथ और देश की सरकार के साथ। ये गौरव जी सुन तो लीजिए जरा, तो आप सवाल का उत्तर तो दीजिए ना। क्षमता नहीं कि सुन ले, आप 5 स्टडी ग्रुप बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी इतनी पढ़ाई करते तो क्या बात हो जाए। बताइए प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट हो तो, आप बताइए उदीन सोच के खिलाफ क्या कार्रवाई करी है, बता दीजिए। एक मिनट का समय दीजिए इनको, एक सुझाव नहीं है और जो कार्रवाई करेगी केंद्र की सरकार ने करी है वही करेगी। गुलाम नबी आजाद कहां थे कश्मीर में, जब बाढ़ आ रखी थी तो गुलाम नबी आजाद वहां थे ही नहीं। अब बातें कर रहे हैं कश्मीरियों का दर्द जानने के लिए गुलाम नबी आजाद कभी मिले पैसे मुकदमे जो वापस लिए हैं। अच्छा, मेजर आदित्य के खिलाफ कार्रवाई हो ये कांग्रेस की मांग थी, और आज आप यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। कम से कम ये बात मानिए कि राष्ट्र हित के मुद्दों पे साथ खड़ा होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुबे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझे, बताइए। डिसअपॉइंटमेंट इस बात की हो रही है कि आगे कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, विजन नहीं कोई नजर आती है, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, लेकिन हर चीज में खोट नजर आएगा, पॉइंट करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, ये दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ। और फिर आप कहते हैं कि सवाल हमसे पूछते हैं, बेशर्मी की बात है कि बीजेपी सॉल्यूशन सुनना नहीं चाहती। सॉल्यूशन आपने बताया नहीं अबे दुबे जी, फिर से आप लीजिए 30 सेकंड और फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। नहीं, अच्छा ठीक है, आप सॉल्यूशन सोच लीजिए। मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रही हूँ, मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रही हूँ। मैं कॉमोडोर जीजे सिंह के पास जा रही हूँ अब इस वक्त। कॉमोडोर जीजे सिंह, ये राज्यपाल शासन लागू हो जाना जम्मू कश्मीर में, इसका सीधा सीधा मतलब है क्या? क्या जम्मू कश्मीर की जनता के हित में रहेगा ये कि अब सुरक्षा बलों के पास पूरा फ्री हैंड होगा कि उसे कैसे आतंकवादियों के साथ डील करना है? हाँ, मेरे मुताबिक ये बिल्कुल एक सही स्टेप निकलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल ही एक जो इतने हालात खराब हो चुके हैं। पिछले एक महीने में हमने देखा कि देर इज़ ए वर्टिकल एस्केलेशन,
इतने ज्यादा वायलेंस, इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन, और इतने लोग जो हैं वो एक महीने के अंदर 14 हमने लाइव्स जो है वो गवा दिए। तो मेरा मानना ये है कि ये जो 5% कश्मीरी जो स्टोन पेल्टर जिन्हें कहते हैं, जहाँ जो आतंकी बने हुए हैं, स्पेशली जो साउथ कश्मीर, शोपियां और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इनके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है मस्कुलर अप्रोच। ये मस्कुलर अप्रोच ये 5% के लिए बिल्कुल जरूरी है, बाकी 95% जैसे लद्दाख के अंदर जो है लोग, जो जम्मू के लोग हैं, ये जम्मू देखिए जो कश्मीर है वो सिर्फ वैली नहीं है, उसके साथ लद्दाख भी लगा हुआ है, उसके साथ जम्मू भी है। जब हमने कहा जो बीजेपी को जो इनको याद नहीं है कि इंटरलोक्यूटर बनाया गया, ये जो अल्लाह वाली आए नहीं बात कर रहे हैं, रमजान के महीने में गुमराह किया है, क्या कर रहे हैं दिखाई देते हैं, लेकिन जब क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास भी था, और बातचीत से बातचीत होती है, बुलेट से बुलेट होता है, और जवाब देना जरूरी है। इस सेना को इसमें क्षमता है, पूरा खुली छूट दी गई है, आगे भी दी जाएगी, जिससे कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को ढेर किया जाए और हमारी मजबूती दिखाई जाए। मत चिल्लाइए, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। देखिए मैं छोटे पहली बार जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंटरलोकेटर्स का ग्रुप बैठा 1990-2000 के अंदर, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 1953 की दशा में ले जाया जाए, ये कौन सी अकलमंदी की बात थी, 370 को परमानेंट किया जाए, ये कौन सी अकलमंदी की बात थी, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंतर्गत हुआ, 35A कॉन्स्टिट्यूशन में घुसाया गया धोखे के साथ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। समस्या इतनी गहरी है, 1990 के कश्मीरी हिंदू बात करते हैं कि बेशर्म कांग्रेसी, उसको बीजेपी की वकालत कहते हैं। जब तक इनकी सोच नहीं सुधरेगी, इस गंदी सोच का इलाज ये है कि इनको लोग बिल्कुल ऐसे बाहर करें। सारे आपके चले समस्याएं उलझाया हुआ जम्मू कश्मीर, 5 जिलों की गड़बड़ को ये सारे कश्मीरी सारे जम्मू कश्मीर पर लादना चाहते हैं। 16% इलाका, 5 डिस्ट्रिक्ट 22 में से लद्दाख, जम्मू की कोई नहीं सुनवाई। इस तरह की सरकार चलाई इन्होंने 70 साल, और आज अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव बना तो उनको तकलीफ हो रही है। ये लोग बैठे थे, इनके फारूक अब्दुल्ला गोल खेल रहे थे जब यहाँ 1990 में कश्मीर हिंदू निकाले गए, तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो इसका नजर नहीं आता। सब अपने अपने हितों के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? विक्रम सिंह जी, जब तक सभी राजनीतिक दल अपने अपने हित तलाशते रहेंगे, मेरा सवाल यह है कि सॉल्यूशन निकलेगा कैसे इस मुद्दे का? आप अपने कश्मीर के वोट बैंक को देख रहे हैं, बीजेपी अपने जम्मू लद्दाख के वोट बैंक को देख रही है। अगर हम लोगों ने कश्मीर के वोट बैंक को देखना होता तो हम बीजेपी के साथ दिलाते नहीं बनाते, वो सहन करते रहे 3 साल। मुफ्ती साहब ने, मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने उस समय जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का मैंडेट मिला, जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन दोनों को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इकट्ठा करने की कोशिश की, और इसलिए ये गवर्नमेंट बनाई, उसमें एजेंडा ऑफ अलायंस रखे गए, और उसी के साथ साथ बुरहान वानी की पंजदर क्यों बन गई महबूबा मुफ्ती? अलगाववादियों के खिलाफ जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही थी उसमें उन्होंने कहा नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। आप आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए जो सॉफ्ट पॉलिसी है ना पीडीपी की,
ये उसी का नतीजा है। आतंकवादियों के लिए कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं है, बुरहान वानी तीन साल में आज कंट्रोवर्सी आप उन्हें शहीद बता रहे हैं, आप पार्टी में शहीद मान रहे हैं। की बात की थी जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, आज 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 कश्मीर में, आज कश्मीर में हर जगह पे पथराव हो रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले जम्मू में कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं, बॉम्बे में कुछ बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता, हमें इतनी हिम्मत बीजेपी ने पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म खेली कश्मीर पे, बीजेपी ने बात करने की 2019 में जम्मू कश्मीर आपके साथ हमारी याददाश्त बुरहान वानी को हीरो आपने बताया है, और आगे भी बता दें कि अगर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उसको ढेर किया जाएगा, यही हमारा संकल्प है। बात नहीं कर रहे हैं हम जो लोग बताइए आपकी नजर में हीरो कौन है ये बता दीजिए, आज पूरा देश आपको सुन रहा है, औरंगजेब हीरो है जी या फिर बुरहान वानी हीरो है, ये बता दीजिए। वही हीरो है जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए आर्मी आपको अगुवाई नजर कर रहे हैं, आपने इतनी हिम्मत की आपका ये रिजोल्यूशन को सवाल आपने सुना रहे हैं, आपको कह दिया हीरो कौन है आपके लिए बताइए, के लिए लड़ रहे हैं हीरो कौन है आपके लिए, आपको कहा अब तो आप अपने स्टूडियो में बैठकर मुझे कहेगी कि यूनाइटेड नेशन इज आल्सो ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपको यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। रिपोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल आपसे नहीं पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है आपको नजर में हीरो कौन है, औरंगजेब आपका हीरो है या फिर नेशन के हीरो है, आपका हीरो है आपने सही आपका हीरो है, मेरे हीरो है जो यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं वही मेरे हीरो है, आपको यूनाइटेड नेशन ने मिरर दिखाया था लेकिन आप देखने के लिए जवाब जवाब नहीं देंगे आप कीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए एमनेस्टी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने जवाब दिया है यहाँ पे आपने आतंकवादी आपकी वजह से यहाँ पे हो रही है, कौन है आपका हीरो, जब आप सोए इस पॉलिटिकल इशू पे 70 साल से आपने क्या किया, आपने डेमोक्रेसी को खत्म किया, आपने क्या किया ये बताइए, आपने क्या किया, यू हैव गिवन रीजन टू स्टूडेंट पेटर्स, वो अपने हक के लिए आतंकवादियों का समर्थन लड़ रहे हैं उनके जनाजे में शामिल होना ये किया आपने, यूनाइटेड नेशन ने आपको आईना दिखाया है, ये आपने कश्मीर घाटी में शांति बहाली के लिए शोन यू द रीजन, आप यूनाइटेड नेशन ने कहा जेल पाएंगे इस मसले को, पता चलेगा हीरो कौन है विलन कौन है, जब तक आप जैसे सोच वाले लोग हैं कश्मीर का मुद्दा हल होगा भी नहीं रमेश, यू आर सच अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जब तक आप जैसे लोग रहेंगे कश्मीर का मुद्दा रेफरेंडम से हल होगा, शांति होने नहीं देंगे, यह जगह खाली करवाइए तब रेफरेंडम की बात करिए, आप 70 साल नहीं जेल पाएंगे, ये हिंसा हम भी हिंसा से तंग आए हैं, हम भी हिंसा से तंग आए, हमें भी कोई जगह खाली करवाइए, पहले हो रही है अरे अपने जगह खाली करिए, पार्टी वाले फायदा नहीं है, हमें आपको ज्यादा मंच देना नहीं चाहते क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने, आप क्या सोच रहे हैं, आप कितनी शांति की दुआएं करते हैं कश्मीर में, बस वही आप निकालते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से बर्बाद हुआ कश्मीर, हिंदुस्तान का ये ताज, जितने पॉलिटिशियंस हैं क्या बात करते हैं आप जैसे लोग, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं सभी से, हमें बस और बात नहीं है, अब सॉरी हो रहे हैं आप, आगे क्या कश्मीर में आगे क्या देखते हैं आप नेत्री भट्ट, आपको लगता है कि अभी राज्यपाल शासन में कुछ शांति बहाली हो पाएगी और सुरक्षा बलों को पूरी तरह से अब खुली छूट होगी, उनकी शक्ति का संकेत दिया गई थी अब खुली छूट, आतंकवादियों पर फायर करना, बीजेपी से हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि आप गवर्नर रूल में बीजेपी बिल्कुल भी जैसे डिपेंडेंट मुफ्ती ये महबूबा मुफ्ती के गवर्नमेंट के ऊपर थे आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और आप आर्मी के ऊपर उनका पूरा हाथ रहेगा और आर्मी को सपोर्ट भी देंगे, जितने अभी अभी हमारे पास न्यूज आ रही है कि दो आतंकी मारे गए जैश कमांडर, तो उस तरह की न्यूज हम और सुनना चाहेंगे, औरंगजेब छोटे 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 कमेंट्स में जा रही हूं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, रतन शर्मा हमारे पास हम्म
एक ही मार्ग है, फर्मली इनको हैंडल किया जाए। जो लोग बहुत मांग कर रहे हैं फ्रेंडम की, उनको बोला जाए पीओजे के खाली कराओ पाकिस्तान से, तब हल निकलेगा। यहाँ बैठ के गीदड़ फपकियां देना, यूएनओ की बात करना, सच्चाई जानते नहीं, सारे कश्मीर हिंदू निकालने के बाद में इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। कश्मीर भारत की आन शान है, टू नेशन थ्योरी का निगेशन है, वो रहना चाहिए और हम उसको किसी भी हालत में रखेंगे। जिनको जाना है पाकिस्तान की बात करनी है, पीओजे के में जाके खाली करवाए उनको। अबे दुबे, एक दिन सुधने लई मीमांसा जी। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो जो समाधान की बात आपने मीमांसा की, मैं अपेक्षा करता हूं पूछने का नहीं, अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए, मुझे कश्मीर का हल बता दीजिए बस 20 सेकंड में, अभी तक नहीं बताया आपने, एक घंटा हो गया अबे दुबे जी। मैं बताऊंगा, 20 सेकंड है आपके पास बस। वर्किंग ग्रुप कांग्रेस ने बनाए थे, पांच वर्किंग ग्रुप, स्टडी ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, रिकॉर्ड आपका अटका हुआ है दुबे जी, वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप पे अटक गए हैं आप। ये कैसे लोगों को बिठा लेती है मीमांसा जी, जो बोलने नहीं देते हैं, कोई शिष्टाचार नहीं है, 20 सेकंड है मेरे पास, आई एम सॉरी, और सिर्फ इंटरवीन करते हैं, आपने वो समय खो दिया है, बोलने नहीं देते हैं। अबे दुबे जी, पूरा वक्त दिया था मैंने, सब और भी बोल रहे हैं पैनलिस्ट, 20 सेकंड आपको भी दिए थे, लेकिन आप नहीं यूज करना चाहते तो आपकी मर्जी। गौरव भाटिया क्लोजिंग कमेंट। नहीं ठीक है, आप आइंदा मत बुलाइए, नहीं नहीं दुबे जी, मैंने तो मेरी नहीं नहीं अभी रुचि नहीं, आप ये शिकायत आपकी जायज नहीं है, समय आपके ऐसी ये अशिष्टता करते हैं लोग। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि जो पांच वर्किंग ग्रुप है, रिलेशन स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर एक वर्किंग ग्रुप था जिस पर काम चल रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को लेकर काम चल रहा था, रिलेशन अलोंग दी एलओसी काम चल रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम चल रहा था हमारी सरकार के समय, कर रहे अबे दुबे जी। देता हूं उस पैकेज में कितना खर्च किया ये बता दे गौरव जी, ठीक है गौरव जी यहाँ बैठे हैं 80,000 करोड़। नहीं, मैंने आपको कश्मीर का सलूशन बताने के लिए बोला था, सवाल पूछने के लिए नहीं अबे दुबे जी। गौरव भाटिया क्लोजिंग कमेंट, 20 सेकंड बस, 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं। आज का ये जो निर्णय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, हमने प्रयास किया बातचीत से कुछ मसले हल हों, लेकिन जहां मस्कुलर पॉलिसी की ज़रूरत है वहां मस्कुलर पॉलिसी ही काम करती है और बुलेट फॉर बुलेट भी होना कई बार ज़रूरी हो जाता है। केंद्र सरकार में वो इच्छा शक्ति है और आगे इसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। देखिए लोग ये चाहते हैं कि आतंक पर अब कड़ी निंदा नहीं, एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, यह है दबोलुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।